यार अजीब चीज हो रही है, ये सारे के सारे इस ड्रैगन ने एग्स तोड़ दिया यार। अभी तक एक ही बच्चा निकला है, हम एग्स रख रख के थक गए हैं। ये देखो यार, एग्स को छोड़ पागल, कहीं का छोड़ एग्स को, ये छोड़ क्यों नहीं रहा यार, ये छोड़ एग्स को। अरे नहीं 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 ये अभी इसको तोड़ेगा यार। नहीं नहीं यार, ये देखो यार। तो यार मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलेंगे द ड्रैगन वर्ल्ड का पार्ट 2। तो लास्ट के पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में क्या हुआ था कि हमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रैगन के एग्स मिले थे, जिसमें स्काई ड्रैगन था, नेदर ड्रैगन था, फायर ड्रैगन था, यहाँ तक कि भूत वाला ड्रैगन भी था यानी कि गोस्ट ड्रैगन भी था। तो वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और बहुत ही अजीब सा एपिसोड था। तो ऐसा एपिसोड तुमने पहले कभी भी नहीं देखा होगा, तो पहले जाके वो एपिसोड देख लो, वरना तुम्हें पार्ट 2 की समझ में नहीं आएगी। एक्चुअली अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस, और वहाँ पे ना मैं ये सारे के सारे एग्स रखने वाला हूँ, और हम किसी एक एक का ना बच्चे निकालेंगे। यानी कि आज मैं सोच रहा हूँ एंडर ड्रैगन के ना बच्चे निकालूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। यानी कि एंडर ड्रैगन के एग्स में से बच्चे निकलेंगे, वाओ यार मजा आएगा। तो फाइनली यार हम घर पहुंच गए, इसको उतारना थोड़ा मुश्किल है। ओके उतर गए यार हम, और ये देखो यार हमारा पेट, यार ड्रैगन को हमने पेट बनाया हुआ है यार। बहुत ही मज़े का एपिसोड 1 था यार, वो देख लो वरना तुम्हें पार्ट 2 की समझ में नहीं आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ पार्ट 2 की समझ में नहीं आएगी, जाके पार्ट 1 देख लो पहले। ओके कितना डरावना है यार। तो मुझे क्या करना है आज के एपिसोड में, हम क्या करेंगे कि हम एंड ड्रैगन है ना उसके बच्चे निकालेंगे, यानी कि उनके अंडों में से बच्चे निकलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा यार। तो चलो रात होने, तो मुझे यहाँ पे एक दफ़ा सोना है, फिर हमें एक जगह की तलाश में जाना है। तो चलो यार रात हो गई है, तो मैं अब सोने का सोच रहा हूँ ताकि मेरा एक स्पॉन पॉइंट बन जाए, ताकि अगर मैं आउट हो भी जाऊँ ना तो अपनी जगह पे वापस आ जाऊँ। तो चलो यार सोते हैं, और सुबह हमें एक जगह की तलाश में जाना है। वो जगह इसलिए क्योंकि मुझे ना वहाँ पे ना एग्स में से बच्चे निकालने हैं। तो हम एंडर ड्रैगन के बच्चे निकालेंगे एग्स में से, लेकिन अभी ना मैं एक काम करता हूँ कि कुछ सामान लेके नहीं जाता, इसलिए कि अगर मैं आउट हो गया तो अपना सामान नहीं खोऊंगा। तो अभी हम एक जगह की तलाश में जा रहे हैं जहाँ पे हम अपने एग्स के बच्चे निकालें, तो हमें बेस्ट जगह की तलाश में जाना है। तो चलो मेरे दोस्त, हमें बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, और एक मिनट, ये तो एक 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 जगह ये भी है ना, क्यों ना हम जहाँ पे उतरें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और अरे ठीक है, लेकिन ये जगह बहुत छोटी है यार, इसमें हम पूरे नहीं आएंगे, हमें बहुत ज़्यादा एग्स हैं हमारे पास और बहुत सारे बच्चे निकालने हमें। तो एक बड़ी सी जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं नीचे भी तो जा सकता हूँ, लेकिन यार हमारे देखो हमारे ड्रैगन है उड़ सकते हैं, तो बेस्ट जगह वही होगा कि हम क्यों ना ऊपर हम अपने ड्रैगन में से एग्स के बच्चे निकालें। तो ऊपर कोई जगह देखनी पड़ेगी मुझे यार। वैसे मुझे ये जगह ठीक लग रही है, लेकिन रहने दो, ये जगह भी अजीब सी है, टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो हमें लेवल वाली जगह चाहिए। तो कौन सी जगह जाएं हम, ये जगह थोड़ी बेहतर लग रही है। अगर मैं यहाँ से ट्रीज सारे निकाल दूँ तो फिर इससे बेस्ट जगह नहीं मिल सकती मुझे। तो उतर जा, एक तो ये उतरना बहुत ही मुश्किल है। ओके, एक तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वापस आ रहा हूँ यार, अरे क्या कर रहा है यार, उतारने ना मुझे, उतार दिया। ओके तो देखो यार, हमें यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, तो इन ट्रीज को काटना पड़ेगा ताकि हमारी जगह का सारा क्लीन हो जाए। और चलो यार इन ट्रीज को भी काटते हैं, और मुझे बाकी चीज़ें भी चाहिए, तो मुझे लकड़ी भी चाहिए, तो इसलिए इन ट्रीज को जल्दी से काट लेते हैं। चलो यार अभी देखो यार, मैंने ना पूरा का पूरा ना एरिया को क्लीन कर दिया, और थोड़ा सा एरिया को लेवल भी कर दिया है। तो चेक करो, अब ये पूरा एरिया ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, और हमें हमारे पास 2 काऊ भी हैं लेकिन वैसे इनका कोई काम नहीं है, लेकिन चलो एरिया तो हमारा क्लीन हो गया यार। अब यहाँ पे हम एग्स में से बच्चे निकाल सकते हैं। हम सारे एग्स में से बच्चे नहीं निकालेंगे, मैं सिर्फ एंडर ड्रैगन के एग्स में से बच्चे निकालूंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एपिसोड मुझे बनाने हैं, तो एक एक करके बनाऊंगा और बताऊंगा भी कि कौन सा ड्रैगन का क्या क्या काम है और वो कैसे अटैक करता है, वो सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो जगह तो बन गई है, तो यार चलो यार अब मैं काम करता हूँ कि एंडर ड्रैगन के ना एग्स को लेके आता हूँ, वो जो हमारे घर में पड़े हुए थे जहाँ पे हम छोड़ के आए थे। तो अभी मैं वहीं वापस जा रहा हूँ, और मुझे अभी नहीं पता कि वो घर कहाँ है। ओके तो तलाश करना पड़ेगा, वो करीब ही, इतना मुझे पता है वो करीब है।
लेकिन चलो यार। अरे यार इतना स्लो क्यों है यार, थोड़ा तेज चलना, मुझे घर के घर जाना है, रात होने वाली है, जल्दी घर जाना है मुझे, चल जल्दी कर, बहुत ज़्यादा स्लो है यार। और ये घर अपना कहाँ गया? रात हो गई, बारिश शुरू हो गई, अब तक हमें घर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो रात हो गई है तो लाइटिंग तो नज़र आनी चाहिए। अरे यार ये लाइटिंग नहीं बोला मैंने। ओके वो देखो वहाँ पे लाइटिंग नज़र आ रही है, तो वहाँ पे है हमारा घर, तो चलो वहीं चलते हैं। अरे बस कर जा, बादल मेरे ऊपर ही ना गरज जाए यार। ठीक है अभी जल्दी हम अपने घर चलते हैं और वहाँ से एंड ड्रैगन के एग्स को लेके आते हैं यार। वो देर नहीं करते हैं क्योंकि एग्स में से बच्चे बहुत ज़्यादा लेट निकलते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हो रहा है यार? तो ठीक है अब एक काम करते हैं कि देखो यार एंड ड्रैगन के एग्स चाहिए और थोड़े बहुत हमें फिश चाहिए, इलेक्ट्रा चाहिए और एक सेडल भी चाहिए यार हमें, तो वो चीज़ें उठा लेते हैं। और बाकी तो हमारे पास अभी मुझे लगता है, देखो हम अपनी चीज़ें को देंगे, उससे बेहतर है कि हम अपने बाकी चीज़ें इधर ही रख देते हैं, कहीं लेके नहीं जाते, तो बस इतने काफ़ी हैं यार, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है मुझे। चल मेरे दोस्त अभी वापस चलना है हमें और अपने घर जाना है, और वहाँ पे ना तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, ठीक है, इंजॉय करना उनके साथ, घूमना फिरना। चलो अभी घर चलते हैं यार, अभी जितना टाइम लगा था हमें ये ढूंढने के लिए उतना टाइम प्लीज़ ना लग जाए। घर यहीं कहीं करीब है तो घर अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे, और रात भी है, तो चलो जल्दी से चलते हैं यार। तो फाइनली पहुंच गए, तो थैंक्स गॉड इस बार जल्दी से घर मिल गया यार, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे जल्दी से यहाँ लाइटिंग लगानी होगी और वहाँ पे स्पाइडर है उनकी तो बैंड बजानी पड़ेगी मुझे। कहाँ है ये पागल के बच्चे? इधर आ, चल इधर आ, यहाँ पे आते ही बैंड बजाता हूँ, इधर आ जा, चल स्पाइडर के बच्चे इधर आ, ओए तू यहीं रहना ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कोई आया। अरे ओके सही है यार, यह क्या तलवार है हमारे पास ना, एक शॉट से ही वो बंदे मर जाते हैं यार इसमें तो। अभी मुझे और भी स्पाइडर तलाश करने पड़ेंगे, यहाँ पे और भी ऊपर से स्पाइडर नज़र आ रहे थे। ओके एक तो ये पड़ा हुआ है, ओके हमारा बो भी बड़ा काम का है यार, ये हुई ना बात। अभी एक स्पाइडर तो यहाँ पे भी है, आजा बेटे आजा आजा, ये भी गया, एक ही बो में चला गया। ये हुई ना बात। तो अभी देखो यार हमें और क्या करना है, हमें सबसे पहले तो सुबह करनी पड़ेगी, और ये शीप भी अभी तक यहीं है, शीप नहीं काऊ भी यहीं है अभी तक, तो सबसे पहले तो हमें सुबह करनी पड़ेगी और फिर हमें एग्स को रखना पड़ेगा। ठीक है तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ से ना एंड ड्रैगन के एग्स ले लेते हैं, ठीक है, और हमें चेस भी चाहिए, क्राफ्टिंग टेबल भी चाहिए, तो पहले तो यहाँ एक काम करते हैं, वो रख देते हैं, एग्स रख देते हैं। और अभी देखो जब तक हम बाकी काम कर लेंगे इन एग्स में से बच्चे निकल ही आएंगे, ठीक है, मैं 5 रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रख रहा ताकि रश ना हो जाए। ठीक है अभी देखो हमें क्या करना है, हमें फेंसेस लगाने होंगे एग्स के साइडों में, क्योंकि ये एग्स मूव करती हैं यानी कि जंप मारती हैं, जब इनसे बच्चे निकलने वाले होते हैं तो ये एग्स जंप मारती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो फेंसेस लगे होंगे तो फिर उससे क्या होगा कि ये मूव नहीं करेंगे। अभी देखो फेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना कुछ इस तरह से लकड़ी रखनी पड़ेगी और बीच में हमें स्टिक रखना पड़ेगा, तो ये हमारे फेंसेस बन गए। इसी तरह हमें बहुत सारे फेंसेस चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टॉर्चेस लगाएंगे ताकि रोशनी हो जाए और ज़ॉम्बीज वगैरह ना आ जाएं, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज वगैरह ये एग्स को फोड़ सकते हैं। तो चलो यार अभी नाइट होने वाली है तो ज़ॉम्बीज वगैरह भी बहुत सारी आएंगी, और हमारा ड्रैगन भी एक्टिव हो रहा है यानी कि वो टाइम के साथ एक्टिव हो जाता है, तो जब वो एक्टिव होगा तो वो ज़ॉम्बीज और स्केलेटन पे अटैक भी करेगा। यार हमारे टॉर्चेस ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि और ज़्यादा टॉर्चेस बना लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए कोल, और कोल यहीं सामने पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ना कोल निकाल लेता हूँ, और मुझे ना
देखो कोल बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन लेकिन मेरे पास आइडिया है। वो ये है कि अगर इन कोल दो कोल से ना मैं बहुत सारे चार कोल बना सकता हूँ। चार कोल बनाने के लिए ना सिंपल क्या करो, तुम्हें फर्नास चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए कबलस्टोन, और यहाँ से तुम फर्नास बना सकते हो। फर्नास बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, कबलस्टोन को कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा जिससे तुम्हें मिल जाएगा फर्नास। ओके, तो ये हमारा बन गया फर्नास। तो ठीक है यार, अभी देखो इसको एक्टिव करने के लिए हमें कोल चाहिए, और हमारे पास दो कोल पड़ी हुई है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे। और अभी हमें लकड़ी चाहिए, ठीक है, लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, तो ये ले लेते हैं। और हाँ, अभी देखो चार कोल बनाने के लिए हमारे पास दो हमारे पास कोल हैं, तो काफ़ी हैं। ये थोड़ी देर तक चार कोल बन जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे चार कोल इकट्ठा हो गए हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि सो जाते हैं, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है। मैंने ना अपने सारे के सारे एरिया को ना टॉर्चेस से भर दिया है, ताकि रात हो जाए तो ज़ॉम्बीज ना आए, रोशनी हो, इसलिए मैंने पूरे एरिया को टॉर्चेस से भर दिया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पहले तो देखो हमने ये पूरा घर को भी बंद कर दिया है ताकि हम अंदर सेफ रहें। और ये यार ये एक से ये मूव कर रही है, अभी अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा मूव कर गई है। और कमाल की बात है, ये जब भी मूव करती है ना हमारा ये ड्रैगन गुस्से में आ जाता है, पता नहीं क्यों यार ये गुस्से में आ जाता है। अभी भी देखो उन एक्स के सामने खड़ा हुआ है और उनको देख रहा है, यार पता नहीं अजीब ही चल रहा है कुछ। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चेस लगा दिए हैं, यहाँ पूरे एरिया को मैंने भर दिया है, और पता नहीं हमारे ड्रैगन को क्या हो रहा है यार, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन पता नहीं, देखते हैं आगे ये क्या करता है। अभी भी देखो वो यार एक्स के पास है, वो अभी भी एक्स के पास है, वहाँ से मूव ही नहीं हो रहा यार। ये जब एक्स मूव करती है ना ये गुस्से में आ जाता है। एक मिनट मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ यार, जब हम एक्स को मूव करते हैं ना तो ये गुस्से में आ जाता है, ये जब या फिर ये अपने आप जब मूव करती है ना गुस्से में आ जाता है। अभी देखना ये गुस्से में आ गया। यार अजीब चीज़ हो रही है, ये सारे के सारे इस ड्रैगन ने एक्स तोड़ दिया यार, अभी तक एक ही बच्चा निकला है, हम एक्स रख रख के थक गए हैं। ये देखो यार एक्स को छोड़, पागल कहीं का, छोड़ एक्स को, ये छोड़ क्यों नहीं रहा यार, ये छोड़ एक्स को। अरे नहीं 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 ये अभी इसको तोड़ेगा यार, नहीं नहीं यार, ये देखो यार ये एक्स जब भी मूव करते हैं इनको तोड़ देता है यार। ये देखो अभी ये मूव किया इसको मैंने, और ये देखो यार ये क्यों कर रहा है, पागल कहीं का, सारे एक्स तोड़ दिए यार, बार बार मैं एक्स रख रहा हूँ, और वो जैसे ही बच्चे निकलने वाले होते हैं और वो एक्स अपनी जगह से मूव करते हैं, ये उन एक्स को तोड़ देता है यार। अजीब ही चीज़ हो रहा है, मुझे इस ड्रैगन को कैद करना चाहिए था, लेकिन चलो एक बच्चा तो निकला है, वो देखो एक छोटा सा बच्चा है, और वो भी ना इस ड्रैगन के आसपास घूम रहा है, मुझे लगता है दूध पी रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन देखो नीचे नीचे चला जाता है, डरता है मेरे ख्याल में। अभी पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार यहाँ पे, मैं एक्स को जब भी रखता हूँ ना ये ड्रैगन तोड़ देता है। और देखो हमें एक्स को एक्टिव भी करना होता है, उसके लिए भी मूव करना पड़ता है एक दफ़ा, यानी कि राइट क्लिक करनी पड़ती है। और जब एक्स के बच्चे निकलने वाले होते हैं काफ़ी टाइम बाद, तो क्या करता है ड्रैगन उनको खा जाता है या तोड़ देता है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो हम सिंपल एक्स को रखते हैं ना, उनको हमें एक्टिव भी करना पड़ता है। ये हमने एक्स को रखा और ये एक्टिव किया, ठीक है, लेकिन अभी नहीं तोड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम एक्स को मूव करते हैं या एक्स अपने आप मूव होती है तो ये तोड़ देता है उसे। अभी देखना मैं इसको मूव करूँगा ना, ये तोड़ेगा इसे। अभी ये मैंने मूव किया और ये देखो क्यों क्यों आखिर क्यों क्यों कर रहा है पागल। अभी यार ये मैं क्या करूं, ये देखो यार इतनी मेहनत की थी मैंने, इतना ज़्यादा वेट किया था कि एक्स में से बच्चे निकलेंगे, एक ही बच्चा निकला यार, बस उसने बाकी बच्चे निकलने ही नहीं दिए यार। मैंने अभी आज के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली है, अभी मुझे लगता है इस एपिसोड को भी यहीं एंड करना चाहिए यार। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि बाकी ड्रैगन के बच्चे निकालेंगे और इस ड्रैगन को ना सबसे पहले कैद करेंगे, कहीं पे कैद कर देंगे ताकि ये एक्स को तोड़ने के लिए ना आए, ठीक है। तो ठीक है यार, अपने गेम को भी यहीं एंड करते हैं। आई होप यार तुम्हें मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया ना तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, वहाँ पे बहुत ही कम फॉलोवर्स हैं और मुझे बहुत सारा फॉलोवर्स चाहिए, यानी कि कम से कम 10,000 तो फॉलो करो यार। तो जाओ यार इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम्हें मेरी तस्वीरें भी नज़र आएंगी, फ़नी फ़नी वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ, तो जाओ यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।